के लाला जी था सेठ, बच्चे जवान हो गए थे, सब की शादी कर दी, लेकिन उसके लगन और विरह ऐसी लगी कि सत्संग सुनने के बाद में घर छोड़ के आ गया। नाम लिया, नाम लेके और बोला जी उम्र जो बची हुई है मैं उसको अपने लिए करना चाहता हूँ, संतान के लिए घर के लिए बहुत कर दिया। बच्चे सारे अपना काम करते हैं, लड़कियों की शादी कर दी, लड़कियों की शादी कर दी, और आप इजाजत दो मैं आश्रम में रहूं और यहाँ रह के भक्ति करूँ अपनी। मैं ठीक, मेरा ये नियम है कि कोई भी अगर ऐसा आदमी रहना चाहता है तो उसको यूं कह दूं कि आश्रम में रहो, लेकिन वो आदमी रहो आश्रम में जिसका घर का बच्चा भी उससे खुश हो, कि उसके घर की तो कीड़ी भी नाराज ना हो कि भाई हमारा घर का आदमी ये क्यों गया, क्यों नहीं रहता हमारे पास। दूसरी चीज, वो अपने घर वालों से लिखवा के दे दे कि ये आदमी आश्रम में रहना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इससे हो सकेगी वो सेवा करेगा और नहीं तो अपना रह के भजन बंदगी करेगा। तो मैंने कह दिया रे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सारी जिंदगी हम संतान के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो करना चाहिए वो नहीं करते। रात दिन उधेड़ बुन में ये कमा दूं, ये कर दूं, मकान बना दूं, प्लॉट ले दूं, जमीन कृषि के लिए ले दूं, प्रॉपर्टी बना दूं। किस लिए बना दूं प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी तो यहीं छोड़ के जानी है, किसी के काम आनी नहीं है। झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरी, दिमाग में टेंशन हर समय, उन्हीं चीजों का सुमरण, उन्हीं चीजों का विचार, उन्हीं का ख्याल, रात दिन उसी उधेड़ बन में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। अच्छी बात भी कोई बताओ तो अच्छी बात नहीं लगती। अगर किसी से बात जिक्र करोगे तो भी उसी उन चीजों के दाव पेच पूछोगे कि मैं कैसे करूं, उसको दे दिया उसने मेरे दिए नहीं, मैंने उसके इतने देने हैं तो उसका इतना ब्याज नहीं दूंगा, उसका ये काट लूंगा, उसका वो बढ़ा दूंगा। इन बातों में इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत अच्छी बात है अगर कोई समय निकाल के प्रभु की भक्ति के लिए या अपना जीवन बना, उससे बढ़ के कोई बात है नहीं। रहने लग गया, आराम से शांति से भजन करता, क्योंकि उद्देश्य उसका यही था। लेकिन कुछ दिन के बाद में उनके घर के आदमी आके कहने लगे जी मेरे पिताजी को घर भेज दो, ये जैसा करना चाहे हम घर में इसको आश्रम जैसा माहौल दे देंगे, इनका अलग कमरा, ये किसी तरह भी बैठ के भक्ति करो, कोई काम की जरूरत नहीं है, हम इसके काम में कोई बाधा कोई दखल नहीं देंगे। मैंने उसको कहा भाई अगर घर वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं तो घर में रहने में क्या परेशानी है, आदमी के विचार अच्छे हैं, भक्ति करना चाहता है तो घर में रह के भी घर को आश्रम बना देगा, आज इसके विचार अच्छे नहीं हैं वो आश्रम में रह के भी आश्रम को गृहस्थ बना देगा। बात तो निर्भर करती है इंसान की सोच पर। कई निकम्मे आदमी ऐसे होते हैं कि वो तो अपनी सोच भी दूसरों पर लाद देना चाहते हैं। अरे जिसका जिस ढंग से जो इंसान जीता है उसको अपने हिसाब से जीने दीजिए, वो आपसे अच्छा जानता है। तुम जो करना चाहते हो अपना करो, दूसरे की बात में क्यों तक, अगर कोई सलाह लेता है तो उसको अच्छी सलाह दीजिए, माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, लेकिन अपने आप भी किसी पर ये बखान नहीं करते कि ले मैं तेरे को ये बताऊंगा, तेरे को वो बताऊंगा,
जैसे आपके बारे में बता दूं, यहाँ तो ये बात नहीं है, हिंदुस्तान में जैसे है, जब घर में बहू आ जाती है तो सास नाक से डाल लेती है, बेटी जब आती है तो उससे घुट घुट के बतलाती है। अब ये नहीं सोचती कि अब तेरी लड़की किसी के घर की बहू है, तू उसके घर में दखल ना दे, और तेरे घर में जो बहू आई है वो तेरी बेटी बन के आई है, उसको बेटी की तरह से प्यार दे, उसका विश्वास जीत, उससे अच्छे ढंग से बात कर, घरों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं सोचते। तो इंसान अगर अच्छे विचार लेके दुनिया में जाता है तो वहां अच्छा ही फैला देगा, और दुनियादारी का अगर आदमी बुरे विचार लेके किसी आश्रम में मंदिर में जाएगा तो वहां बुराई ही फैला देगा। इंसान में जैसी सोच होती है वो वैसा कर्म भी करता है। लेकिन उस इंसान ने ऐसा किया, घर में आराम से उसने रहना शुरू कर दिया, रोजाना उसने वाणी लिखनी शुरू कर दी, 3 किताब उसने भर दी बड़ी बड़ी, एक तो मैंने छपवा भी दी, 2 उसकी थी वो छपी नहीं, उनके शायद घर में ही रखी होंगी, हस्तलिखित उनके पास हों। तो जो भी वो बात सुनता उसको इसी सुंदर वाणी, देखो इसमें कितनी सुंदर बात कही कि बख्शो मेरे दाता तुम हो बख्शनहार, गुनाहों का बोझ लेके मैं आया गुनहगार। ये इंसान गुनहगार है, उसने मान लिया, हम मानते नहीं। हम तो गुनाह करके भी उज्जवल बनना चाहते हैं, पवित्र सच्चे बनना चाहते हैं, गुनाह करके भी सोचते हैं हम अच्छे हैं, हम सच्चे, हम पवित्र हैं, दूसरा ये और किसी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर हर इंसान ये अपने ऊपर लागू कर ले, अपनी सोच में ये बात डाल ले कि हाँ मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, तो वो अवगुण रहित हो जाएगा, वो अवगुण उसके निकल जाएंगे। लेकिन अवगुण रख के भी जो आदमी ख्याल नहीं करता है, अपनी सोच नहीं बदलता, उसकी सोच नहीं बदलती, और घर में उसे नियम बना लिया, दोनों टाइम में सत्संग करता, घर वाले बहू और बच्चे लड़की जितने भी थे अपना काम करने के बाद उनको कहता हो बैठ जाओ, पूरा दिन सत्संग करता। तो जब जब उसकी कोई ये शब्द और ये आते हैं तो उसका उसे जीवन याद आता है। अच्छे गुण अच्छी बात तो इंसान को जो है हमेशा एक फोटो की तरह से रख लेनी चाहिए सामने, जब भी कोई तुम्हारे दिमाग में बात आती है तो उसको याद करके देख ले कि यह इंसान ऐसा था। इंसान चला जाता है, उसका शरीर चला जाता है, उसके गुण और प्रकृति या उसके दोष नहीं जाते। आज देश में महात्मा गांधी नहीं है, सारा राष्ट्र बापू के पुकारता है, सब इज्जत सम्मान करते, कोई भी बात होती है तो आज भी उनके तस्वीर के सामने जाके बैठते हैं और अपनी शिकायत करते हैं, चाहे वो राजनेता है, कोई सामाजिक आदमी है, चाहे वो धार्मिक आदमी है, बापू के महात्मा कहते हैं उनको। महात्मा का मतलब महान आत्मा, और महान आत्मा वो होती है जिसमें महानता के गुण हों, और महान वो होता है जिसमें बुराई रहित हो जाए, सब सदगुणों से भर जाए, दुर्गुणों को दूर निकाल दे। तो अपने दुर्गुण तो जब निकाले जा सकते हैं जब इस प्रकार की बात तो सामने लेके कहे कि मेरे अंदर दुर्गुण और विकार बहुत भरे हुए हैं, सब प्रकार के उन गुनाहों का तो टोकरा भर के हमने सिर पे उठा रखा है। लेकिन बिरला आदमी कहेगा कि मेरे अंदर ये दोष है, कोई आदमी अपना दोष नहीं बताएगा, वो दूसरों के तो दोष निकालना जानता है लेकिन अपने दोष नहीं देखता कभी भी। तो इंसान को दूसरे के तो दोष से आंख बंद कर लेनी चाहिए, दूसरे के दोष जो देखता है वो इंसान कभी अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी सोच उसकी दृष्टि दोष देखने की ही बन जाएगी। अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छे गुणों को देखो, और जो अपनी दृष्टि में अच्छे गुण देखने की दृष्टि बना लेता है वो कभी दुर्गुणों में फंसेगा ही नहीं, उसके धीरे धीरे करके सद्गुणों से भर जाएगा, बुराइयां दूर निकल जाएंगी। ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है।
छोटी सी बात के लिए हम अपनी शांति को खो देते हैं, वो चीज भी चली जाती है, जिंदगी झगड़े मुकदमे में गुजर जाएगी, क्या मिलेगा आखिर में, कौन पूछेगा। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े बलवान ताकतवर आए, सबके सब ने झगड़े मुकदमे किए, किन चीजों के लिए किए, जमीन के टुकड़े के लिए, कि जमीन यही हो तो गए। आज वो जमीन बोलती है, वो अहंकारी था, वो ऐसा था, वो दयावान था, वो उनकी कीर्ति रह जाती है। इंसान का जन्म मिला है तो कुछ अच्छा करके जाए, जो अच्छा करता है वही महान होता है, किसी के दोस्तों को माफ कर दे वो महान होता है, और अगर किसी के दोस्त निकालता है तो यूं समझो खुद दोषी है, उसको आदत है बुराइयां देखने की, बुराइयां बुरे काम करने की, बुरी सोच की, और ऐसा करते करते एक दिन वो बुरा बन भी जाता है। इसलिए उन दुर्गुणों को अपने तो दुर्गुणों को देखो, दूसरे के अच्छे गुणों को देखो। अपने दुर्गुण देखेगा वो अपनी बुराइयां निकाल देगा, दूसरे के अच्छे गुण देखेगा वो अच्छे गुण भर लेगा। तो ये रामनारायण उसका नाम था, और जब उसने शरीर छोड़ा तो घर वालों को पहले बुला के कह दिया, आ जाओ भाई साहब, अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं जाऊंगा, तुम अपना काम करना, कोई किसी ने रोना धोना कुछ नहीं करना, अपने शब्द वाणी करना, आश्रम से नाता मत तोड़ना। मिला मुझे जो कुछ मिला आश्रम से मिला, गुरुजी से मिला, तुम अपने आश्रम में जाना, सत्संग करना, और वो तो अब भी उसके परिवार के लोग अपने घर में जैसे वो सबको बैठा के वाणी का पाठ करते थे, उसी प्रकार से वो सारे मिलके शब्द गाते हैं। लेकिन हम तो थोड़ा सा सुख होता है भूल जाते हैं, नाम भूल के, गुरु को भूल के, सत्संग भूल के, वाणी भूल के, थोड़ा सा सुख मिलते ही दुख आता है तब याद करते हैं। तो जो सुख में कभी याद नहीं करता, दुख में याद करने से उसकी कौन फरियाद सुनेगा भाई। फरियाद हम तो हमेशा से ही दुर्गुणों से भरे हैं, ये जन्म ही अपने कर्म का भोग है, काया का रोग कर्म का भोग है इंसान का, उसने जो कर्म किया है वो कर्म भोगने के लिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए जो कर्म भोग से बचने के लिए नाम दवाई है, भक्ति दवाई है। भक्ति भी कौन सी, मात्र पिता की भक्ति, सेवा भक्ति है, प्रेमा भक्ति, दूसरे से प्रेम करो भक्ति है, नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम की कमाई करना नाम भक्ति है, गुरु भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना करना भक्ति है, और ये मूल है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रती, गुरु भक्ति दर्द के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सब को चाहिए नहीं तो गुरु भक्ति कमा। ये गुरु भक्ति का परिणाम था कि आज भी वो जाने के बाद भी जिंदा है, उसकी वाणी वचन आज भी जो हम याद करते हैं तो हमारे बीच में ही है। इसलिए भक्ति जैसी उच्च चीज नहीं है, इंसान के पाप कर्मों को, मैलों को, बुराइयों को, सबको धो के उसको उज्ज्वल और पवित्र बनाती है। तो सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो, नाम गुरु से मिलता है, इसलिए गुरु भक्ति किया कर। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।